भारतीय सिंधु सभा, सिंधु संगीत समिति सहित अन्य संस्थाओं की ओर से मंगलवार को वीर सपूत शहीद हेमू कालानी के बलिदान दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। जब तक सूरज चांद रहेगा हेमू कालानी तेरा नाम रहेगा के नारों के साथ मंगलवार को डिग्गी चौक स्थित हेमू कालानी की प्रतिमा पर सभा के पदाधिकारियों ने फूलमाला पहनाकर उन्हें याद किया और उनके शौर्य और वीरता के जज्बे को सलाम किया। इस मौके पर डिग्गी चौक से हेमू कालानी के विशाल चित्र को जीप में सजाकर स्कूली बच्चों के सानिध्य में रैली निकाली गई। रैली में शामिल छात्र छात्राएं हेमू तेरा ये बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान जैसे नारों से पूरे रास्ते को गुंजायमान करते चल रहे थे। पुष्पांजलि अर्पित की गई डिग्गी चौक पर, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और विद्यालयों में, चार विद्यालयों में कार्यक्रम किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के पीछे ये हेतु रहता है कि आने वाली नई पीढ़ी को इन महापुरुषों से सीखने को जो प्रेरणा मिलती रहे और नई पीढ़ी हमारे शहीदों को याद करती रहे। आज यहाँ पर डिग्गी चौक में हेमू कालानी जी की मूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कल पूर्व संध्या पे महाराजा दहर सिंह स्मारक में भी उनको दीप दान दे करके उनको श्रद्धांजलि दी गई थी। इसके अलावा आज चार स्कूलों में भी बच्चों को हेमू कालानी के शहादत पे उनको प्रेरणा दी जाएगी मिलती रहे। आज जो है जयपुर में भी बड़ा अच्छा जो है स्टेचू अष्ट धातु का लग रहा है, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी और माननीय वसुंधरा राजे भी उपस्थित रहेंगी। इसी तरह दो तीन साल पहले संसद में भी हेमू कालानी की मूर्ति लग चुकी है, तो ये हर वर्ष श्रद्धांजलि के कार्यक्रम रख के और देशभक्ति के जागृति के लिए ये कार्यक्रम किए जाते हैं। इसमें देश के लोगों को अच्छी तरह भाग लेना चाहिए। सिंधी संगीत समिति की ओर से एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 5 स्कूलों के बच्चे और हमारे समिति के सैकड़ों नौजवान इसमें पधारेंगे और हमारी जो लेडीज़ हैं वो भी इस प्रोग्राम में अभी इस रैली में चालू हो जाने वाली है और रैली अभी थोड़ी देर में निकलने वाली है। आप कितने बजे का था रैली का? रैली का 11:30 बजे का था, तो अब क्या है कि थोड़ा मौसम ऐसा हो गया है, इसी वजह से 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाएगा और हम ये चाहते हैं कि ये रैली सफल हो और आप सब लोगों के सहयोग से ये रैली सफल होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। गौरतलब है कि 23 मार्च 1923 को जन्मे सिंधी सपूत क्रांतिकारी शहीद हेमू कालानी ने 1942 में आजादी आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो में सिंध प्रांत से अंग्रेजी सेना की गोला बारूद से भरी ट्रेन को उलटने का प्रयास किया। इस दौरान हेमू अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किए गए। मात्र 20 साल की उम्र में शौर्य और देशभक्ति के जज्बे ने उन्हें ऐसा साहसिक कार्य करने की प्रेरणा दी। 21 जनवरी 1943 को शूरवीर हेमू कालानी को फांसी पर लटका दिया गया। स्वामी न्यूज परिवार शहीद हेमू कालानी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। इस अवसर पर सिंधी शिक्षा समिति के अध्यक्ष भगवान कालवानी, तुलसी सोनी, नरेंद्र बसरानी, कमलेश शर्मा, जयकिशन हिरवानी, सर भंबानी, दिलीप समतानी, कमल प्रकाश कृष्णानी, घनश्याम भूरानी, खेमचंद नारवानी सहित सिंधी समाज के अनेकों लोग मौजूद थे। अमर शहीद हेमू कालानी के 72वें शहीदी दिवस की पूर्व संध्या पर सिंधुपति महाराजा दहर सिंह स्मारक पर हिंगलाज माता का पूजन, दीपदान, श्रद्धांजलि और देशभक्ति गीतों के कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर भारतीय सिंधु सभा की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नवल राय बच्चानी ने कहा कि हेमू कालानी में राष्ट्र रक्षा के लिए पूर्ण भक्तिभाव था, जो आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा कि हेमू कालानी बाल्यकाल से ही अंग्रेजों के खिलाफ होने वाले आंदोलन में सक्रिय रहकर देशभक्तों की टोली के साथ भारत माता की सेवा में तत्पर रहा करते थे। इस अवसर पर सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नवल राय बच्चानी, प्रदेश मंत्री महेंद्र कुमार तीर्थानी, कमल प्रकाश कृष्णानी, मुकेश आहूजा, राजेंद्र लालवानी, मोहन तुलसियानी, जयकिशन हिरवानी, तुलसी सोनी, खेमचंद नारवानी, नानक राम जयसिंघानी, मोहन कोटवानी, प्रदीप हीरानंदानी सहित कई कार्यकर्ताओं ने शहीद हेमू कालानी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
हर वर्ष की भांति शहीद हेमू कालानी के बलिदान दिवस के पूर्व संध्या पर महाराजा धारसेन स्मारक पर दीपदान का कार्यक्रम किया गया। आज उनका 71वां बलिदान दिवस है। ये कार्यक्रम करने के पीछे हेतु रहता है कि हमारे समाज की नई पीढ़ी को प्रेरणा मिले।